हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आप लोगों की उम्मीद करती हूँ आप लोगों भी ठीक होंगे। अभी ना सुबह का सॉरी लेट हो गई है। अभी आज थोड़ा काम था सुबह, इसीलिए मुझे नहाने के लिए थोड़ा लेट हो गई। ले देखो ये जो चीज़ है ना, मेरे को पास में जाकर दिखाती हूँ। ये वाला मैं जो आप लोगों को दिखाई थी, इसे देखो, मिट्टी और गोबर से इसे लिया है। इसे फट गई है, इस तरह धूप में रखा था। इसमें मेरी चावल रहती है, इसको मैंने सुबह लिपा था, इसलिए लेट हो गई मुझे आज नहाने में। अभी तो मैं नहा के आ गई और अभी मैं जाऊंगी कुछ खाना बनाने के लिए। आज ना हस्बैंड ने नीम के जो फूल होती है ना, उसे निकाले हैं। आज मैं उसे ही बनाऊंगी। देखो मेरे नीम का पेड़, ये वाला नहीं, ये वाला नीम का पेड़ है, वहीं पर एस्बेस्ट के ऊपर जाती है तो आसानी से निकल जाती है। अभी मैं जाऊंगी वहीं बनाने के लिए। आज वही बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। हम तो इस मौसम में तो होती है ना, जो नीम का फूल होती है इस मौसम में ही होती है, सेहत के लिए भी अच्छा है, इसलिए हम लोग भी हमेशा खाते हैं। दो दिन तीन दिन के बाद, जो हफ्ते में 7 दिन में 2-3 बार हम खा लेते हैं, नीम का फूल हो या पत्ता हो, जो भी हो। चलो अब मैं तो कपड़े भी चेंज करूँगी, चेंज करने के बाद बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। चलो अब हम बनाते हैं नीम फूल की सब्जी। ये है नीम का फूल, बहुत टेस्टी यार। मैं कुछ ज़्यादा है हो जाती है मेरा वीडियो, मैं इसीलिए कुछ नहीं दिखाऊंगी, बस बना लूंगी। मैंने तो कढ़ाई बैठा दिया था गर्म होने के लिए, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। मैं उसमें डाल दिया ऑयल 6 स्पून, उसके बाद हम डालेंगे उसमें ये हरी मिर्च पक गई है, ये पका वाला ही मैं डाल दूंगी। ये हो गया है, अभी हम डाल लेंगे उसमें नीम का फूल। मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए उसे ढककर पका लेंगे। चलो देखते हैं हमारी नीम का फूल क्या हुआ है। और अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है, हम उसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, उसे मिक्स कर लेंगे। इसे फ्राई करने से ना जो हल्दी का स्मेल है ना, वो निकल जाती है, ज्यादा नहीं होती है और कलर अच्छा सा आती है।
इसमें डाल देंगे नमक। अभी डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने इसी तरह लंबे लंबे टुकड़े में काट कर रखा था। अच्छा हम मिक्स कर लेंगे। ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए। देखो अभी चलो देखते हैं हमारी क्या हुआ है। देखो अभी हम टमाटर सब पक गए हैं। हम उसमें डाल देंगे 1/2 स्पून सब्जी मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने आलू को बॉईल करके रखा था, इसी तरह तोड़ लिया है उसे छोटे छोटे टुकड़े में, उसे भी डाल देंगे। उसे मिक्स कर लेंगे। हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। उसे ढककर पकाने से ना अच्छे से पक जाती है। चलो अभी देखते हैं हमारी क्या हुआ है सब्जी। हो गया है। हम उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और भी थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। इतना ही पानी रखना, ज्यादा पानी मत रखना, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। ढककर रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। चलो अभी देखते हैं 10 मिनट हो गया है, क्या हुआ है हमारी सब्जी। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा फीका फीका दिख रहा है आपको, लेकिन वो बहुत कलर अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं जूम करके रखा हूँ। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो हो गया है। मैं अभी प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। देखो मेरा थाली तैयार है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? गई खा के, आह क्या टेस्ट था, बहुत अच्छा सा टेस्ट था उसका। थोड़ा सा जो कड़वीपन था, लेकिन बहुत टेस्ट था, मुझे तो बहुत टेस्ट लगी। आप लोग ही ऐसे बनाओ, खाओ, मुझसे शेयर करो कैसा लगा आप लोगों को। मैं तो समझती हूँ, सोचती हूँ कि आप लोगों को बहुत टेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है ना। मुझे नहीं, मेरे फैमिली को सबको अच्छा लगता है। मेरे फैमिली ने जो भी इसे खा, पहले से खा के टेस्ट
उसका मालूम हो गई ना जिसको, वो हमेशा खाती है, वो तो खरीद कर भी लाते हैं खाने के लिए। बहुत टेस्ट था, आप लोग भी उसी तरह बनाओ खाओ और मुझसे शेयर करो आप लोगों को कैसा लगा। बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मैं ना आप लोगों को आज कुछ बताने वाली हूँ, आज नहीं आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी, क्योंकि आज ना बहुत लंबी हो गई है इसलिए आज नहीं बना बताऊंगी, कल को जरूर बताऊंगी। एक लोग आ गया था बाहर का, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, म्यूट कर दिया था। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप बनाकर खाओ, मुझसे शेयर करो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।